तो आज जयराम अस्पताल के अंदर बच्चों के लिए नर्सरी का उद्घाटन किया गया तेजवंत राय के द्वारा। आधुनिक मशीनें अंदर की तरफ चलेंगे, वीडियो दिखाएंगे आपको, तो देख सकते हैं जयराम के अंदर आई है ये आधुनिक मशीनें जो बच्चों के इलाज के लिए कारगर साबित होगी। आदरणीय श्री तेजवंत राय जी गोयल, समाज सेवी, क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर और उपस्थित शहर की जानी मानी हस्ती, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आपके जयराम अस्पताल में नर्सरी का उद्घाटन एक ऐसे समाज सेवी के हाथों से कंधों से किया गया है जिनका इस पूरे इलाके में ही नहीं कई स्टेटों में नाम है। ये एक बहुत ही सज्जन, नेक दिल इंसान और बढ़िया, ऐसे कामों में हमेशा इनका पैसा लगता है, धर्म के कार्यों में। जिस प्रकार ये अस्पताल है, यहाँ पर भी हमारी जो 19 मेंबरी कमेटी है सिद्धि विनायक सेवा समिति की, उसके प्रधान श्री कैलाश सिंगला जी और मेंबर जब इनके दरवाजे पर गए और इनके साथ इस बात का ये प्रस्ताव पेश किया, स्वीकार किया और उसी समय अपनी तरफ से ये स्वीकृति प्रदान कर दी कि इस पर जो लागत आएगी वो मेरी तरफ से आप इसमें लगा। अब हाथ जोड़ के सभी से हम ये विनती करते हैं कि ये अस्पताल आपका है, आपने चलाना है, जनता ने और महाराज श्री ने इसको संचालित करने के लिए सिद्धि विनायक सेवा समिति की जो मैनेजमेंट है उसको तो महज सेवा के लिए आगे किया है। चलना आप लोगों के सहयोग से है, आप लोगों ने इसका प्रचार करना है, आप लोगों ने यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर सुविधा फैसिलिटी जो आपको टोहाना और हिसार में मिलेगी वो यहाँ मिलेगी आने वाले समय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए पूरा शहर बधाई का पात्र है कि ये शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर शांति वन जैसा, जिस प्रकार बिल्कुल नालंदा तक्षशिला जैसे ये विश्वविद्यालय होते हैं, यहाँ हरियाली, ऑक्सीजन, ग्रीनरी, यहाँ ऐसा है कि आने वाले को ये नहीं पता लगता कि यहाँ पर क्या मतलब ऑक्सीजन की और की, ये अस्पताल नजर ही नहीं आता। अंदर आने के बाद पता चलता है कि हॉस्पिटल है, जितना पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पर है और यहाँ पर पूरी मैनेजमेंट जी जान से लगी हुई है इसको आगे कदम बढ़ाने के लिए, इसको सफलता की ओर ले जाने के लिए। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा सहयोग करें, आपके बच्चे हैं ये सभी जितनी 19 मेंबरी कमेटी के, और आप भी उतने ही इसमें भागीदार है जो आप इस कार्यक्रम में आते हैं और अपनी यहाँ भागीदारी करते हैं। इसके लिए एक बार फिर सुने श्री तेजवंत जी राय गोयल का और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि समाज सेवी श्री तेजवंत राय जी गोयल, श्री तेजवंत जी माठा एक्स एम सी, श्री जियालाल जी गोयल, मेरे सभी सम्मानित भाई बंधु, डॉक्टर साहब की सभी टीम, मैं सिद्धि विनायक सेवा समिति की तरफ से आदरणीय भाई तेजवंत जी का और आप सभी का हार्दिक तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज बच्चों की नर्सरी का उद्घाटन आदरणीय श्री तेजवंत राय जी गोयल के द्वारा जयराम अस्पताल में किया गया है। नरवाना शहर के आसपास कोई भी बच्चे की नर्सरी नहीं है। यहाँ जो बच्चे 7 मासी 8 मासी होते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, हिसार जाएं, चंडीगढ़ जाएं, सोनीपत जाएं या जींद जाएं। लोगों की समस्याओं को देखते हुए 2 साल पहले ही सिद्धि विनायक सेवा समिति के सभी सदस्यों ने एक प्रण लिया था कि जन सेवा की भावना के लिए हमने यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी बहुत कम है शहर के अंदर, उसका प्रण लिया था जो पूरा हो चुका है। नरवाना शहर में जयराम अस्पताल में
9 से 10 डॉक्टर्स की टीम है, सभी एमडी हैं, सभी सर्जन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, एमडी हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, विनोद पांडे जी हैं, जिनकी दर्शनी का आज यहाँ पे इनोग्रेशन द्वारा किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र पांडे जी हैं, एमडी मेडिसिन हैं, डॉक्टर अभिषेक खत्री जी हैं, सर्जन जनरल सर्जन हैं, डॉक्टर प्रियंका खत्री जी हैं, गायनी की हैं, बहुत अच्छी सर्जन हैं, डॉक्टर समन गर्ग जी हैं, आईज के हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर प्रीति शर्मा जी हैं जो अपना यहाँ फिजियोथेरेपी चलाते हैं, और भी डॉक्टर हितेश चौधरी जी हैं, डॉक्टर रूपाली जी हैं जो डेंटिस्ट हैं। हर प्रकार की सुविधाएं देने का हमने शहर के लिए प्रयास किया है कि जन सेवा की भावना को ऊपर करते हुए कि शहर को हर प्रकार की फैसिलिटी मिले, और यहाँ पर आधुनिक मशीनों द्वारा, अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा हम सोचते हैं यहाँ इलाज हो और हर व्यक्ति को, हर माताओं बहनों को, साथियों को बाहर न जाना पड़े। सिर्फ जयराम अस्पतालों खुले केवल 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के अंदर मैं ज्यादा तो नहीं कहता 15 से 20 व्यक्ति जो हमारे बुजुर्ग थे, माताएं बहनें जो भी थे, अगर ये हॉस्पिटल में यहाँ फैसिलिटी ना होती, एमडी मेडिसिन ना होते, पंडित जी ना होते या सर्जन नहीं होते, तो उनका इलाज नहीं हो पाता और वो हिसार तक जाते जाते दम तोड़ लेते। हमें सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम सभी बुजुर्गों को बचा पाए। हमारी कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए, जनता का हमें पूरा सहयोग है। आदरणीय श्री ब्रह्मसुख जी महाराज, श्री भाई जयलाल जी गोयल, जिन्हों के अथक प्रयासों से हमें यहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। हम सोचते हैं कि किसी भी को कोई कमी ना रहे, दी जाए और यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी मशीनें लेके आए। हमें जनता का सहयोग हमेशा मिलता रहा है और आगे मिलेगा, पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं है शहर के अंदर। हम सोचते हैं कि कोई भी दानिश सज्जन हो तो अल्ट्रासाउंड की मशीन हमारे लाने का यहाँ पर प्रयास है। हम कोशिश करेंगे जल्द ही अल्ट्रासाउंड की मशीन जयराम अस्पताल में और लेकर आए। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे। ठीक है।